Hey guys, welcome to Gadgets Life. आज हम स्पीड टेस्ट करने वाले हैं iPhone XR और iPhone X के बीच. iPhone XR लॉन्च हुआ था 2018 में, वहीं iPhone X लॉन्च हुआ था 2017 में. अब खास बात यह कि दोनों ही फोन्स आपको यूज्ड मार्केट में एक्जैक्टली सेम प्राइसिंग पे मिल जाते हैं. iPhone X में है Apple A11 Bionic चिप 3GB के रैम के साथ, वहीं अगर हम बात करें iPhone XR की, इसमें Apple A12 Bionic चिप है अगेन 3GB के रैम के साथ. तो डे टू डे लाइफ स्पीड एंड मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक. सबसे पहले हम कर लेते हैं बूट टेस्ट, देखते हैं बूट स्पीड में कितना डिफरेंस है. तो दोनों ही फोन्स को मैंने टर्न ऑफ कर दिया है, दोनों ही फोन्स को मैंने टर्न ऑन कर दिया है, देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस रहते हैं बूट टाइम में. सो गाइस, आप देख सकते हैं iPhone X स्लाइटली पहले बूट हो गया है. डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, बट स्टिल iPhone X हल्का सा फास्टर था. तो दोनों ही फोन्स कनेक्टेड हैं एक्जैक्टली सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ, दोनों ही फोन्स अपडेटेड हैं iOS 15 पे. वहीं दोनों ही फोन्स में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन है. मल्टीटास्किंग में आप देख सकते हैं कुछ भी रन नहीं कर रहा है. स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशन से, सेटिंग्स. तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, काफी लाइट एप्लीकेशन है. देन चलते हैं ऐप स्टोर पे. सो यहाँ पे iPhone X स्लाइटली फास्टर था, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. देन कैमरा, आई थिंक यहाँ पे दोनों फोन्स बिल्कुल बराबर थे, कोई भी डिफरेंस नहीं था. देन यूट्यूब, सो अगेन स्लाइटली फास्टर था iPhone X, काफी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है iPhone X अभी भी. देन Amazon, तो इसमें iPhone XR फास्टर था, डिफरेंसेस अगेन बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों फोन्स की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है. देन Flipkart आप देख सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे लोडिंग iPhone X ने स्लाइटली पहले कंप्लीट करी थी. देन पिन आउट, तो iPhone XR था स्लाइटली. देन सबवे सर्फर्स, सो इस गेम में iPhone XR फास्टर था. डेफिनेटली आपको यहां पे परफॉर्मेंस तो अच्छी देखने को मिलेगी, एक जनरेशन आगे है चिपसेट A12 बायनिक चिप वर्सेस A11 बायनिक चिप. बट हमें ये देखना है प्रैक्टिकल लाइफ में कितने डिफरेंसेस आते हैं. तो टेम्पल रन 2 में देखते हैं स्पीड में कितना डिफरेंस रहेगा. तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे भी काफी ज्यादा स्लाइट सा डिफरेंस था, बट डेफिनेटली गेम्स को लोड करने में iPhone XR टाइम कम लेता है एज कम्पेयर टू iPhone X. देन चेक करते हैं फ्रूट निंजा की लोडिंग स्पीड. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं iPhone XR बहुत ही ज्यादा कम मार्जिन से फास्ट था. देन सुपर मारियो रन, अगेन आप देख सकते हैं काइंड ऑफ सिमिलर परफॉर्मेंस है, बहुत ही कम फर्क है. देन जेटपैक जॉयराइड, तो इस वाली गेम में भी आप देख सकते हैं काफी माइन्यूट सा फर्क था, एक या डेढ़ सेकंड का. देन BGMI, सो गाइस आप देख सकते हैं हार्डली यहां पे भी केवल एक सेकंड का फर्क था, काफी ज्यादा सिमिलर परफॉर्मेंस है स्पीड के मामले में. देन कॉल ऑफ ड्यूटी, सो गाइस आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम टाइम पे दोनों फोन्स ने लोडिंग को कंप्लीट करा है. देन चलते हैं हमारी लास्ट गेम पे, एशवर्ट 9. तो iPhone XR में लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, वहीं iPhone X अभी भी कर रहा है, देखते हैं कितना फर्क आता है. तो iPhone X में भी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, इस वाली गेम में थोड़ा बहुत फर्क था. सो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस, दोनों फोन्स में 3GB की रैम है स्टिल, A12 बायनिक चिप को कोई एडवांटेज जाता या फिर नहीं नया चिपसेट होने की वजह से. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों फोन्स की मेमोरी में है, देन BGMI भी है. देन चलते हैं हमारी नेक्स्ट गेम पे, जेटपैक जॉयराइड. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस है, iPhone X इसको दोबारा से लोड कर रहा है iPhone XR की मेमोरी में है. तो अब तक एक गेम में एडवांटेज चला गया iPhone XR को. इसके बाद लॉन्च करते हैं फ्रूट निंजा. सो आप देख सकते हैं इस वाली गेम को दोनों फोन्स दोबारा से लोड कर रहे हैं. स्टिल iOS का रैम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इतने पुराने फोन्स हैं 3GB के रैम होने के बाद भी अच्छा खासा रैम मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके बाद चेक करते हैं कुछ और एप्लीकेशंस को, Flipkart. तो Flipkart भी iPhone X दोबारा से लोड कर रहा है, iPhone XR की मेमोरी में था. देन Amazon, तो Amazon को दोनों फोन्स ने दोबारा से लोड करा है. देन चेक करते हैं YouTube दोनों फोन्स की मेमोरी में है, दैट्स गुड. इसके बाद हम चेक करते हैं App Store,
तो ऐप स्टोर भी आईफोन 10 दोबारा से लोड कर रहा है। तो डेफिनेटली आईफोन 10R की मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है 3GB का रैम होने के बाद भी। तो स्पीड टेस्ट को देखने के बाद आप लोगों को आइडिया लग गया होगा स्पीड में कितना डिफरेंस है। सो आईफोन 10R एंड आईफोन 10 का डिटेल कंपैरिजन मैंने अपने चैनल पे डाला, तो उसमें आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई थी इन दोनों फोन्स के बारे में। तो अगर आपको इन दोनों फोन्स का कंप्लीट रिव्यू चाहिए उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का मेन मोटिव था आप लोगों को शो करना स्पीड में कितना डिफरेंस है। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस गेमिंग तो डेफिनेटली आईफोन 10R अच्छी चॉइस रहेगी। तो भले ही अगर हम बात करें स्पीड की या फिर मल्टीटास्किंग की, आईफोन 10R की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब ऐसा नहीं कि आईफोन 10 की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब है, बट स्टिल अगर आपको दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम प्राइसिंग पे मिल रहे हैं आज की डेट में, एंड अगर आपको फोन स्पीड एंड परफॉर्मेंस के लिए बाय करना है, आईफोन 10R बेटर चॉइस रहेगी। सो स्टिल गाइज, अगर आपको इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।